बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिप्स, वो भी कश्मीरी स्टाइल में। तो मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कप मैदे का लिया है, इसमें मैं डालूँगी नमक, टेस्ट के मुताबिक आप लोग डालें। हाफ टी स्पून डालूँगी ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून डालूँगी ज़ीरा पाउडर। इस तरह नन से इतने मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। अब इसे मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। आप लोग भी एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा, इतने मज़ेदार चिप्स बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब मैंने दो अदद आलू लिए, वो मैंने इस तरह के स्लाइस बना के काटे हैं। आप कोई सा भी शेप ले लें, मैंने इस तरह से काटे हैं। तो अब मैंने इन्हें धो के, अब एक किचन टॉवल लूँगी, इस पर इस तरह से डाल के इसका पानी ड्राई करूँगी। इसके अंदर जितना भी पानी है वो इस तरह से करके इसे ड्राई करूँगी। अब देखें ये पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैंने जो मसाला बनाया है इसमें ये सारे आलू इसमें ऐड करूँगी। ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, इस तरह करके इसे मिक्स करूँगी। तरह बहुत मज़े के और क्रिस्पी चिप्स बनते हैं। अभी ये मिक्स हो चुका है। मैंने एक पैन लिया, उसमें ऑयल डाला है, फ्लेम को कर लेते हैं ऑन। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें चिप्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिप्स ऐड करते जाएंगे। इस तरह से करके हमने सारे चिप्स ऐड कर लिए हैं। अब तकरीबन एक से डेढ़ मिनट के बाद हम इन्हें इनकी साइड चेंज करेंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ नहीं फ्लेम रखनी। अभी देखें इनका कलर चेंज होने शुरू हो गया है। अब हम इन्हें इस तरह से करके उलट पलट कर लेंगे। अभी ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारे चिप्स हो चुके हैं तैयार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में हमें भी याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।